कुठल्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही। राष्ट्रवादीमध्ये आले काँग्रेसचे, त्यामुळे नाना पटोलेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे। राष्ट्रवादीचेही नगरसेवक आणि इतर लोक पदाधिकारी आमच्यात येऊ शकतात। आज मंत्रिमंडल में नए शिक्षा नीति के बारे में जो माशेलकर समिति बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके आधार पे महाराष्ट्र में जो शिक्षण है वो 5 विभाग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण विभाग है, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग है, साथ ही में कौशल्य विकास विभाग है, कृषि विभाग है, मेडिकल एजुकेशन विभाग है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मंत्रीगण बनाया जाएगा और समिति का गठन करके समिति सभी चीज़ों का जो सिफारिश की गई है उसका अभ्यास करेगा। अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में लाके सारे प्रस्तावों को मान्यता दी जाएगी। आज मंत्रीगण स्थापन करने का निर्णय मंत्रिमंडल में हुआ है। महाराष्ट्र में जो वाइनरीज है उसको प्रोत्साहन के लिए 10 साल तक GST का परतावा माफी का एक पॉलिसी राज्य में थी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पे वाइनरीज यहाँ पे डेवलप हुई, किसानों के उत्पन्न का साधन बढ़ा। ऐसे सभी जो स्मॉल और मीडियम वाइनरीज हैं या जो भी वाइनरीज महाराष्ट्र में है उनके ब्रांड को बिक्री के लिए जो सुपरमार्केट जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा, उन्हें अपने उस सुपरमार्केट में एक स्टॉल के जरिए, एक शोकेस के जरिए इन सभी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दी जाएगी। इस तरह का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। सुपरमार्केट